स्वागत है भाई आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रूट पर। आ जाइए भाई जल्दी से जल्दी, सभी लोग जल्दी से जल्दी भाई सभी लोग आ जाएंगे और बता देंगे कि आवाज हमारी जा रही है अब तक। सभी लोग बता देंगे जल्दी से जल्दी कि आवाज हमारी अब तक जा पा रही है या नहीं जा रही है। जल्दी से जल्दी बताइए सभी लोग, सभी लोग बताइए भाई, एक बार शेयर कर दीजिए। सारे लोग जल्दी से जल्दी शेयर कर देंगे, सभी लोग भाई शेयर कर दो एक बार, एक बार शेयर कर दीजिए सारे लोग, सभी लोग भाई शेयर कर देंगे। जो लोग बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी करते हैं वो लोग ज्वाइन कर लेंगे क्लास को, बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर वाले क्लास को ज्वाइन कर लेंगे। सभी लोग जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लेंगे, कर लीजिए भाई, और शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों को, जो भी दोस्त आपकी तैयारी करते हैं। तब तक हम शेयर कर दे रहे हैं, आप लोगों ने जिन्होंने शेयर किया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर इसके बाद में क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो लोग फर्स्ट सेमेस्टर में है बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर, उनके लिए ये क्लास है, जो आपके दोस्त आपके भाई तैयारी करते हो उनके लिए, उन लोग को शेयर कर दो भाई, जो भी लोग फर्स्ट सेमेस्टर में। जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चों को, जो भी दोस्त आपके फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी करते हैं उन सभी मित्रों को शेयर कर दो भैया। नींद से उठ के जागे हैं, ये कर रहा है कि फिर से सो रहे, बड़ा नींद आ रही है। बताइए भैया, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, शेयर कर दीजिए एक बार। जो लोग भी फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी करते हैं बच्चे, जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले हैं और जिनके सेकेंड सेमेस्टर में बैक लग गई थी, ये क्लास सर उनके लिए है, जिनके बैक लग गई थी। और जो लोग फर्स्ट सेमेस्टर में आए हैं उन सभी बच्चों को आप बता देंगे, जो बच्चे भी फर्स्ट सेमेस्टर में आए हैं आप उन सभी बच्चों को बता देंगे, है ना, क्योंकि उनको बता दीजिए कि फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास चालू है, सभी लोग बता दीजिए। और जो लोग सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए ईवीएस की क्लास इसी टाइम पे चलती है, क्योंकि ये फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास है, जो फर्स्ट सेमेस्टर में वो तुरंत सीटेट की तैयारी नहीं करने लगेगा, इसलिए सीटेट की क्लास भी इसी टाइम पे चलाई जा रही है ईवीएस की, है ना, क्योंकि जो बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर में होंगे उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो तुरंत तैयारी नहीं करने लगेंगे। जब वो सेकेंड तक पहुंचेंगे या वो थोड़े दिन तैयारी फर्स्ट की कर लेंगे तब उनको तब टाइम पर देखेंगे, है ना। चलिए भाई आपको क्या पढ़ाया जाएगा, गणित की क्लास है फर्स्ट सेमेस्टर वालों की। ठीक है, जल्दी से जल्दी शेयर कर दो एक बार, सभी बच्चों को बुला लो, जो भी बच्चे आपके जान में हैं, जो भी बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर की गणित पढ़ना चाहते हैं उन सभी बच्चों को आप लोग बुला लीजिए। देखो आपको बता दें, आयत आप लोग पढ़ने वाले हैं, जो लोग फर्स्ट सेमेस्टर वाले हैं जिनके बैक लग गई है, सारी चीजें आपको हम प्रतिदिन एक एक नई नई चीज पढ़ाएंगे। सबसे पहले सर जी हम आपको बता दें, मान लो सर ये आयत बना है, देखो बातें कोई नहीं करेगा, है ना, ये आयत है। अगर सर जी ये भुजा इसकी एल है और ये भुजा आपकी बी है, अब आपको चित्र से क्या पता चल रहा होगा कि जो आमने सामने की भुजाएं हैं वो समान है और आयत की तरह आमने सामने की भुजाएं समान होती है, तो इसलिए आपसे अगर सर पूछा जाए कि भैया बताओ आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, अगर सर आपसे क्षेत्रफल पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई होगा। क्षेत्रफल सर क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगा। दबा के से ठोको भैया, दबा के से ठोको, सभी लोग ठोको, दबा के से ठोक दीजिए, दबा के। अगर कोई ना बचे जो फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी करता हो जिसके पास ये क्लास ना जाए, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। अगर सर आपसे पूछा जाए कि भैया बताओ आयत का परिमाप क्या होगा, अगर सर आपसे आयत का परिमाप पूछ लिया जाए तो आप क्या करेंगे, टू लंबाई धन चौड़ाई, क्या
क्या करेंगे सर, टू लंबाई धन चौड़ाई। आयत का आज एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आपसे लगे ना, ऐसा एक भी सर क्वेश्चन नहीं लेंगे जो आपसे लगे ना। हर क्वेश्चन आप लोग लगाएंगे हर क्वेश्चन। और आज इंग्लिश की क्लास भी होने वाली है, आज फर्स्ट डे है, तो आज हम आपको इंग्लिश की सीरीज कराएंगे। जो लोग सेकेंड सेमेस्टर के बच्चे हैं, इंग्लिश की सीरीज में आपको बहुविकल्पी प्रश्न कराएंगे, और फिर कल से आपको इंग्लिश का सिलेबस भी कराएंगे, है ना, कि आपको किस प्रकार से पेपर में करना है। ठीक है भाई, अब देखो आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का परिमाप कितना होता है, टू लंबाई धन चौड़ाई। ठीक है, सभी को क्लियर। अगर नजीर आपसे पूछा जाए आयत का क्षेत्रफल, आयत का परिमाप, तो इन फार्मूलों का आप लोग प्रयोग करेंगे, है ना, आयत के क्षेत्रफल का और आयत के परिमाप का। अब देखो सर जी आगे चलते हैं, सभी को आयत का क्षेत्रफल आयत का परिमाप पता हो गया। चलो अब सर जी एक चीज आपको बता दें, अगर आपसे पूछा जा रहा है, सभी लोगों को बात है कोई नहीं करेगा, अगर आपको सर जी दे दी जाए आयत की लंबाई, आयत की लंबाई मान लो आपको दे दी गई 10 मीटर, और सर आयत की चौड़ाई आपको दे दी गई, आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई 4.5 मीटर, आयत की चौड़ाई दे दी जाए 4.5 मीटर, आपसे सर क्षेत्रफल पूछा जाए आयत का, तो आप क्या करेंगे बताओ। आपसे आयत का क्षेत्रफल पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, सभी लोग बता दीजिए एक बार, सारे लोग शेयर भी कर देंगे, सभी लोग शेयर कर दो भाई, जितने लोग भी देख रहे हैं सारे लोग शेयर कर देंगे, कर दो भाई शेयर, सभी लोग भाई शेयर कर दीजिए, जो बच्चे देख रहे हैं सभी को भाई शेयर कर देना है। अगर आप लोग शेयर कर देंगे तो फिर क्या होगा, हर बच्चे तक क्लास जो है वो पहुंच पाएगी। अगर आप पहुंचाना चाहते हैं तो सर पहुंचा दीजिए, अगर आप लोग पहुंचाना चाहते हैं तो सर हर बच्चे तक क्लास को पहुंचा दीजिए। फिर आगे आपकी मर्जी है ना, कि आप पहुंचाना चाहते हैं या नहीं पहुंचाना चाहते हैं। एक सेकंड रुकिए, हम टेलीग्राम का लिंक कॉपी कर लें, क्योंकि आप लोग तो टेलीग्राम का लिंक लगाते नहीं हो, हमें तो भैया लगाना पड़ता है, एक बार हम कॉपी कर लें फिर आते हैं अपने रास्ते पर। एक बार हम लिंक कॉपी कर लें फिर अपने रास्ते पे आते हैं, तब तक आप सभी आंसर कर दीजिए। 45 आ रहा है भैया, बताओ जिसका जितना आ रहा हो सभी लोग बताते। चलिए सर काम हो गया। अब देखो सर जी आयत का क्षेत्रफल होता कितना है, सभी को भी हमने बताया था, आयत का अगर क्षेत्रफल की बात करें तो सर जी होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, इतना ही होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। अब जब सर जी लंबाई गुणे चौड़ाई होता है तो लंबाई आपको सर जी दी गई है 10, चौड़ाई सर जी आपको दी गई है 4.5, तो सर जी अब अगर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 4.5 का 10 में, तो 45 450, और एक अंक बाद दशमलव यहाँ लग जाएगा, यानी कि 45 आपका आ जाएगा 45 वर्ग मीटर। आपको ये मात्रक जरूर लिखना है, अगर आप मात्रक नहीं लिखे ना तो एग्जाम में फिर दिक्कत हो जाए, इसलिए सभी को मात्रक जरूर लिखना है। जो भी दोस्त तैयारी करते हैं वो लोग इतना याद रखें कि हमको मात्रक जरूर लिखना है, क्योंकि मात्रक के बिना सवाल अधूरा है, है ना, जैसे माँ बाप के बिना घर सुना सुना लगता है, वैसे ही मात्रक के बिना ये सवाल अधूरा है, है ना। चले भाई सभी का आ गया ना, एक बार शेयर कर दो भाई, सारे लोग एक बार जोड़ लगा के शेयर कर दीजिए, जितने लोग भी देख रहे हैं सभी लोग शेयर कर दो। मान लो आपसे सर जी कहा गया कि आयत की लंबाई 16 मीटर है तथा चौड़ाई लंबाई की 1/4 है, तो आयत का
परिमाप तथा क्षेत्रफल ज्ञात करो, परिमाप तथा क्षेत्रफल ज्ञात करो। अगर सर जी आपसे यह पूछ लिया जाए तो आप आंसर कैसे निकालेंगे बताओ सर? अगले क्वेश्चन का सर आंसर बता दीजिए। चलो सर बताओ, सभी को वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड मॉर्निंग शेयर कर दो, इसी बात पे सर शेयर कर दो और आंसर बताते रहो। सारे लोग शेयर कर देंगे सर और आंसर बताते रहेंगे, जो लोग भी तैयारी करते हैं शेयर करने के बाद सर आंसर भी बताते रहिए। अपने सभी दोस्तों को बता दीजिए कि क्लास आपकी डेली हो रही है, आपको टॉपिक वाइज हम डेली हर टॉपिक कवर करेंगे। आंसर बता दीजिए सर कितना रहेगा, 64? और बताइए, देखते हैं कि किस किस का आंसर आता है। आपको सर आयत की लंबाई दी गई, आयत की चौड़ाई दी गई, आपको सर आयत का परिमाप बताना है, तो आयत का परिमाप बता दीजिए कि कितना हो जाएगा, जल्दी से जल्दी बताइए। थंबनेल में कोई गड़बड़ी तो नहीं? अभी सुबह उठ के बना रहे थे हम, बार बार नींद आ जा रही थी और उसमें कहीं कुछ लिख दे रहे थे कहीं कुछ। 64। देखो सर जी, अब आपको हम बताते हैं, यहाँ पर सर जी आप ये देखिए कि लंबाई कितनी दी गई, आपने देखा कि सर लंबाई दी गई 16, चौड़ाई कितनी आपको निकालनी होगी, कैसे निकालेंगे आपसे कहा जा रहा है। चौड़ाई जो है वो लंबाई की 1/4 है, तो सर जी लंबाई अगर 16 है तो चौड़ाई 1/4 है, तो 1/4 करना पड़ेगा, 4 × 16, तो सर जी चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 4 मीटर हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 4 मीटर। अब सर चौड़ाई 4 मीटर, लंबाई 16 मीटर। अब सबसे पहले तो सर आप आयत का क्षेत्रफल अगर निकालें तो सर जी कितना हो जाएगा, 16 × 4, क्योंकि लंबाई 16 है चौड़ाई 4 है, तो 16 × 64 वर्ग मीटर हो गया। अब सर जी यहीं पर आपसे पूछा जा रहा है आयत का परिमाप, तो सर आयत का परिमाप अगर हम निकालें, आयत का परिमाप निकालें तो 2 लंबाई / 4 चौड़ाई होता है, 2 लंबाई / 4 चौड़ाई, 2 लंबाई सर जी कितनी है 16 और चौड़ाई कितनी है 4, तो सर कितना हो जाएगा, 2 × 16 = 20, 20 × 40 मीटर हो जाएगा। परिमाप का जो मात्रक होता है वो मीटर में ही होता है, उसको सर हम लोग मीटर ही लिखेंगे, तो परिमाप को मीटर लिखेंगे लेकिन क्षेत्रफल को वर्ग मीटर लिखेंगे। बताओ सर जी, अब किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए, सर किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए, जल्दी से जल्दी बताइए और शेयर कर दीजिए, एक बार दबा के शेयर कर दीजिए आप लोग, बिल्कुल दिक्कत नहीं होने देंगे सर। और आज इंग्लिश में धमाका करने वाले, जो आपको बहुविकल्पी आप लोग पढ़ते हो, बहुविकल्पी आपको कठिन लगते होंगे, आज हम आपको देखो बताते हैं कि बहुविकल्पी अंग्रेजी में कैसे करना, मजा आ जाएगा आपको बहुविकल्पी इंग्लिश के करने का तरीका। बता दीजिए सर, आंसर आ गया सभी का? चलिए सर आगे चलते हैं सर जी। देखो आयत का क्षेत्रफल अगर मान दिया जाए, वैल्यू दी जाए, तो हर कोई निकाल लेता है ना। अब सर जी थोड़ा हम भुजा निकालना सीखते हैं। आपसे कह दिया जाए किसी आयताकार मैदान, अगर आपसे ये कह दिया जाए किसी आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 240 वर्ग मीटर है तथा लंबाई 20 मीटर है, तो चौड़ाई तथा परिमाप ज्ञात करो। अब सर जी अपनी बार आपको क्षेत्रफल दे दिया गया, क्योंकि अगर लंबाई चौड़ाई दी जाती है तो आप लोग मल्टीप्लाई कर देते हो ना। रागनी जी आपको नहीं समझ आया, चलो यहाँ पर हम आपको समझाते हैं, आप समझने की कोशिश करना, लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे समझने की तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, तो आप एक बार कोशिश जरूर करेंगे तो फिर देखना आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, है ना, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार ही नहीं होती है, जो कोशिश करता है सर उसको समझ में आता है ना, तो कोशिश करते रहिए, समझ में बिल्कुल आएगा। और सभी से निवेदन है कि शेयर जरूर कीजिए, अपने सभी दोस्तों को बुला के जरूर लाइए, जो भी आपके दोस्त तैयारी कर। बताओ सर आंसर,
अब यहाँ पर सर उसी फार्मूले का हम लोग प्रयोग करेंगे, आयत के क्षेत्रफल वाला, कोई दूसरा फार्मूला नहीं लगाएंगे। आयत का क्षेत्रफल का जो हमने आपको फार्मूला अभी बताया था, लंबाई गुणे चौड़ाई, यही तो सर फार्मूला बताया। सबसे पहले भाई रागिनी जी आप ये देखिए, आयत के क्षेत्रफल का ये फार्मूला होता है, सभी ने देख लिया ये सर जी, आयत के क्षेत्रफल का फार्मूला है 12144, देखो बता रहे हैं। हाँ दोबारा से भी वीडियो देख लेना एक बार, और इसको देखिए हम आपको बताते हैं, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। अब आप ये देखो, आयत का क्षेत्रफल हमको दिया कितना गया 240, तो जहां क्षेत्रफल लिखा है हमने वहां क्षेत्रफल लिखा, बराबर का चिन्ह लगा, बराबर का चिन्ह लगाया। लंबाई हमको कितनी दी गई है 20 मीटर, तो लंबाई की जगह हमने 20 मीटर लिखा। चौड़ाई हमको ज्ञात करनी है, तो चौड़ाई हमारे पास है नहीं, तो चौड़ाई को ऐसे ही लिख लिया। अब आपको चौड़ाई तो ज्ञात ही करनी है, ठीक है। तो सर जी 240 ये, और इस चौड़ाई का लग जाएगा, इस लंबाई का जो 20 मारे भाग लग जाएगा किसमें, 240 में भाग लगाया, तो 0 से 0 कटा 2 से अगर हम 24 को काटेंगे तो 12 आएगा, 12 × 24 होता है, यानी 12 मीटर आ गई आपकी चौड़ाई। अब 12 मीटर चौड़ाई है, 20 मीटर लंबाई है, तो आपसे परिमाप और पूछा गया था, तो परिमाप कितना होता है, आप सभी को पता है परिमाप होता है 2 लंबाई धन चौड़ाई, ये फॉर्मूला होता है परिमाप का, 2 लंबाई धन चौड़ाई होता है परिमाप का। अब देखो 2 लंबाई 20 है, चौड़ाई 12 है, तो जोड़ दो 2 20 12 कितना हो जाएगा, 20 और 12 32, 32 दूना कितना हो जाएगा 64 मीटर। तो आपको पता चल गया कि परिमाप हमारा 64 मीटर है और वो चौड़ाई हमारी 12 मीटर है। बताओ किसी को कोई दिक्कत हो, किसी को कोई भी दिक्कत हो, हाँ आराम से लगाइए, जल्दबाजी की कोई जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल आराम से लगाएं, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, है ना। जल्दबाजी का काम पता है किसका होता है, जल्दी का काम शैतान का होता है, आपने बचपन में सुना होगा, जल्दी का काम किसका होता है, शैतान का, सभी लोग सुने होंगे बचपन में, सुने थे हाँ। तो अब की बार सभी के समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया है तो अब की बार आपको समझाते हैं फिर से, है ना, अब की बार आपको फिर से समझाते हैं इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन लिख के। अगर आपको आयत का क्षेत्रफल दे दिया जाए 450 वर्ग मीटर, कितना दे दिया गया 450 वर्ग मीटर। अगर आपको सर लंबाई दे दी जाए, लंबाई कितनी दे दें, लंबाई दे दी जाए 18 मीटर, आपको चौड़ाई ज्ञात करनी है और परिमाप ज्ञात करना है। चलो भाई बताओ, देखते हैं कैसे समझ में नहीं आता, ये देखते हैं, हर किसी की खोपड़ी में घुस जाएगा जब आप 2-3 बार लगाएंगे। अब आपको सर किसी आयताकार मैदान का क्षेत्रफल दे दिया गया 450 वर्ग मीटर, लंबाई दे दी गई 18 मीटर, चौड़ाई तथा परिमाप आपको सर ज्ञात करना है। आप लोग चौड़ाई और परिमाप ज्ञात कर दीजिए और बता दीजिए, आज मेरा लेट हो गया सर, क्या है हमें भी बस डर लगता है, बहुत गलत नहीं, हाँ आया ना आंसर, सभी का आएगा भाई नियाजी, डर की कोई जरूरत ही नहीं, आराम से सोचिए और फिर क्वेश्चन को लगाइए। अब देखिए हमने आपको अभी जस्ट बताया कि कैसे लगाना है, अब जो लोग समझ गए हैं कैसे लगाना है वो लोग लगा देंगे, जो लोग समझ गए हैं कैसे लगाना है उन लोग का लग जाना चाहिए। अब यहां पर भी सर जी वही लिखेंगे, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला लंबाई गुणे चौड़ाई, यही तो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। अब देखिए सर क्षेत्रफल 450 है, ठीक, लंबाई सर 18 है गुणे बी, अब देखो लंबाई गुणे चौड़ाई हो गया। अब सर जब चौड़ाई बी बराबर निकालेंगे तो 18 का लगेगा इसमें भाग, तो सर b बराबर निकालेंगे 18 का भाग लगेगा, तो 450 में 18 का भाग लगा दो, काट दो भैया 18 × 36 दो आया 9 बचा 36, 9 × 45 होता 18 × 95, सर चौड़ाई कितनी आ गई 25 मीटर आ गई। अब आपको पता है कि परिमाप का फार्मूला कितना होता है, जिसको परिमीटर बोलते हैं, इसका सर जी होता है 2 लंबाई धन चौड़ाई। अब देखो सर लंबाई आपके पास कितनी है 18 है, चौड़ाई आपके पास कितनी है 25 है, तो सर इस फार्मूले में वैल्यू रख देंगे, देखो रखते हैं 2 लंबाई आपकी सर 18, चौड़ाई आपकी सर 25,
आप बताओ सर 18 और 25 कितना हो जाएगा, 25 10 35, 35 5 40, 3 43, यानी 2 × 43 हो जाएगा, और 2 × 43 कितना हुआ 86, आंसर कितना आ जाएगा परिमाप 86 मीटर आ जाएगा। बताओ सर किसी को कोई दिक्कत, सभी का आ गया ना, जो लोग तैयारी कर रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर की उन सभी का आ गया। बताओ भाई आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, सर जी चौड़ाई को निकालने के लिए क्षेत्रफल में लंबाई से भाग लगाया तो 25 मीटर आया, परिमाप फिर निकालने के लिए 2 लंबाई धन चौड़ाई फार्मूला लगाया तो सर 2 लंबाई धन चौड़ाई कर दिया, आंसर आ गया। बताओ भाई अब बताओ सभी लोग एक बार, सभी का आ गया, किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं। देखो कई बच्चे कल से एक सवाल पूछ रहे हैं कि सर इस टाइप का सवाल बताओ। अब सवाल क्या है आपको, आपके सामने लिखते हैं, एक आयताकार खेत की लंबाई, आयताकार खेत की लंबाई 15 मीटर तथा चौड़ाई 10 मीटर है, उसके चारों ओर, उसके चारों ओर 3 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया, 3 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया, बनाया गया, रास्ते का क्षेत्रफल क्या हो, ये सवाल हमारे फोन में कई लोगों ने भेजा हुआ है कि सर जी इस सवाल को कैसे लगाते हैं। अब आप लोग देखिए और हमको बताइए कि इस सवाल को सर जी आपको कैसे लगाना है, सभी लोग देखिए और बता दीजिए। सारे लोग देखिए और बता दीजिए, बताइए भाई। और भाई सारे लोग क्लास को लाइक भी कर लीजिए, जो लोग क्लास को देख रहे हैं एक बार सर लाइक और कर लें। एक आयताकार खेत की लंबाई 15 मीटर तथा चौड़ाई 10 मीटर है, उसके चारों ओर 3 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया, रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा सभी लोग बता दीजिए, सारे लोग बता दीजिए रास्ते का क्षेत्रफल सर कितना होगा, जल्दी से जल्दी बता दीजिए, सभी लोग सर बता देंगे रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा, बताइए। बता दीजिए। और देखो आप लोग अपने दोस्तों को भी बताया करो, आप लोगों से ये निवेदन है कि आप लोग अपने दोस्तों को भी बता दिया करें, जो भी दोस्त आपके तैयारी करते हैं आप सभी लोग उनको भी भाई बताया करो, जब आप लोग उनको भी बताएंगे तभी तो कुछ होगा, है ना, नहीं तो तब तक कैसे होगा बताओ जरा। अब बताओ तुम चित्र बनाते हैं, देखो भाई चित्र देख लो, जिनका ना आ रहा हो वो लोग एक बार चित्र देख लें, मान लो ये चित्र बना है सर, ठीक ये चित्र आपके सामने दिख रहा है, आपसे सर कह रहा है आयताकार खेत की लंबाई 15 मीटर है, सर ये लंबाई कितनी है 15 मीटर, ये वाली, ये सर आयताकार पहले वाला खेत है, इसके बाद में सर चौड़ाई कितनी है 10 मीटर, ये सर चौड़ाई कितनी है 10 मीटर, इतनी बात क्लियर, ये आपका पहले था 15 मीटर लंबाई 10 मीटर चौड़ाई, सभी लोग देख लेना सर 15 मीटर लंबाई 10 मीटर चौड़ाई, क्लियर। अब सर जी आपसे यहाँ पर देखो ये कह रहा है कि 3 मीटर चौड़ा रास्ता, अब जो सर ये रास्ते की चौड़ाई है ये कितनी है 3 मीटर, ये सर कितना चौड़ा है 3 मीटर चौड़ा है, चारों तरफ कितना चौड़ा है 3 मीटर चौड़ा है सर, कितना चौड़ा है 3 मीटर चौड़ा है सर, कितना चौड़ा है सर 3 मीटर चौड़ा ये रास्ता खींच दिया गया। आप लोग ये बताओ कि सर अगर ये 15 है, जो ये 15 वाले आयत की ऐसी लंबाई है 15 है, अब जब सर रास्ता 3 मीटर चौड़ा है 3 मीटर ये और 3 मीटर ये कितना बढ़ गया भैया, ये भुजा जब यहां से लेकर यहां तक 15 है और सर यहां 3 बड़ा, यहां से ये चौड़ा 3 मीटर, 3 मीटर इधर, 3 मीटर इधर बड़ा, यानी 6 मीटर, तो सर पहले भुजा की लंबाई 15 थी, 15 में 6 बड़ा तो सर कितनी हो जाएगी ऊपर वाले की 15 × 6 = 21, ये कितनी हो गई 21 मीटर। बताओ किसी को दिक्कत, पता चल गई भुजा। अब ये बताओ यहां से लेकर और यहां तक 15 10 मीटर है,
जो ये बुझा है यहां से यहां तक 10 मीटर, आपसे देखो कहा भी गया है चौड़ाई 10 मीटर कहा गया है। अब सर जी ये बताओ 3 मीटर ये बड़ा 3 मीटर ऊपर बड़ा यानी 3 6 बड़ा, तो सर जी अगर पहले 10 थी अब कितनी हो जाएगी आप लोग बता दीजिए। अगर पहले 10 थी ये यहां से लेकर जितनी पीली वाली लाइन है अंदर वाली वो पहले 10 थी और ये 3 मीटर चौड़ा रास्ता बना है 3 मीटर ऊपर और 3 मीटर नीचे, बताइए अब कितनी हो जाएगी एक बार बताओ। हाँ 186 आया हम भी अब बता रहे हैं, आप लोग एक बार बताओ तो आप कह देंगे कि सर 10 और 16 मीटर हो गए। अब आप पहले क्या करिए बड़े आयत का क्षेत्रफल, बड़े आयत या बड़े क्षेत्र का, बड़े आयत का क्षेत्रफल आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इसको कोडिंग भी कर सकते हैं ABCD या कुछ भी नंबर से कोडिंग कर सकते हैं, बड़े आयत का क्षेत्रफल लिख दो। तो सर बड़े की लंबाई x है चौड़ाई 16 है, तो कितना हो गया लंबाई x चौड़ाई 16, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 1 33 यानी 336 वर्ग मीटर हो गया, कितना हो गया 336 वर्ग मीटर हो गया है ना। अब देखो फिर क्या करेंगे छोटे आयत का क्षेत्रफल देखेंगे, छोटे का क्षेत्रफल जब सर छोटे का क्षेत्रफल निकालेंगे तो भैया बताओ छोटे की चौड़ाई 10 है और लंबाई 15 है तो 15 × 10 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 150 आ गया 150 वर्ग मीटर। अब आप हमें ये बताओ पूरे आयत का क्षेत्रफल से अगर हम इतना क्षेत्रफल घटा दें जितना ये छोटा वाला है इतनी की वैल्यू घटा दें तो सर कितना बचेगा, सिर्फ यही रास्ता ही तो बचेगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे रास्ते का क्षेत्रफल बराबर, रास्ते का क्षेत्रफल बराबर क्या करेंगे बड़ा माइनस छोटा, आप पूरा लिखना एग्जाम में हमसे छोटा इतना ही लिखे दे रहे हैं, आप पूरा लिखना बड़े आयत का क्षेत्रफल माइनस छोटे आयत का क्षेत्रफल, हमने सिर्फ लिख दिया बड़ा माइनस छोटा। तो सर 336 से 150 आप माइनस कर दीजिए तो कितना बचेगा 150, 186 बचा, कितना बचा सर 186 वर्ग मीटर। अगर आप सर 336 से 150 को माइनस करेंगे तो बताओ किसी को कोई दिक्कत, सभी का आ गया ना, सभी का आ गया, बताओ किसी को कोई दिक्कत अगर हो, अगर किसी को भी सर कोई दिक्कत है तो हमको बताए, उसकी परेशानी दूर करना हमारा काम है और हम दूर करके रहेंगे, पर आपको एक बार अपनी परेशानी बतानी पड़ेगी है ना, आपको अपनी परेशानी बतानी पड़ेगी। आ गया ना सभी का, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं, सभी का आंसर आया बताओ। चलिए भाई अब हम इसी में थोड़ा चेंजमेंट कर देंगे, एक बार और आप लगाएंगे दूसरा सवाल तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ये सवाल हमारे व्हाट्सएप पे कम से कम 10 लोगों ने भेजे होंगे सेम यही सवाल कि सर जी इन सवालों को और बता दीजिए, तभी हमने सोचा आज इसी क्लास को लगा देते हैं, सबकी प्रॉब्लम भी है और सबकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। लंबाई सर 20 मीटर दी गई, चौड़ाई सर 15 मीटर दी गई, अगर उसके चारों तरफ जो रास्ता बनाया जा रहा है वो सर बनाया जा रहा है 5 मीटर चौड़ा, कितना सर 5 मीटर चौड़ा। अब हम नहीं बताएंगे वापस लोग आंसर निकालेंगे, देखते हैं किस किस का आंसर आता है। हाँ हम और करा रहे थे गाजी आपको जब बिल्कुल आ जाएगा, हमारे सर ने तो टूट दिया था। चलो भाई बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, आप लोग देखो सर और इसका आंसर अब आप लोग बताएंगे, देखते हैं कौन कितना सर आंसर बताता है, सभी लोग बता दीजिए, ये देखते हैं कि इसका आंसर कौन कितना बताता है। और भाई शेयर जरूर करते रहिए, अगर आप लोग शेयर करते रहेंगे तो हर दोस्त तक ये पहुंच पाएगा जो लोग फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं। बताइए भाई चार सौ सत्तर, कीर्ति जी ने देखो लहरा दिया है, कीर्ति जी ने लहरा दिया है, देख लो क्लास में मन से पढ़ लो, हम बता रहे हैं आंसर कितना 450। अब बहुत होशियार भी हो गए हो आप, बहुत जल्दी आंसर निकालने लग गए हो, यानी कि प्रभाव पड़ रहा है पढ़ाई का, पढ़ाई का प्रभाव, पढ़ाई का प्रकोप सर जारी है। अब देखो सर जी अंदर वाले की लंबाई कितनी दी गई है 20 मीटर, चौड़ाई कितनी दी गई है 15 मीटर, ये तो सर अंदर वाले का हो गया,
अब आप बताओ 5 मीटर चौड़ा रास्ता, 5 मीटर चौड़ा रास्ता, 5 मीटर चौड़ा रास्ता, 5 मीटर चौड़ा रास्ता है सर जी, 5 इधर बड़ा 5 इधर बड़ा। तो पहले 20 ये था, 5 25 5 30, यानी कि पूरी ये भुजा कितनी हो गई सर, 30 मीटर की हो गई। सर जी 5 चौड़ाई में इधर बड़ा, भाई चौड़ाई पहले यहां से लेकर के यहीं तक थी, इतनी थी 15, और ये आपको पता है कि 5 मीटर चौड़ा रास्ता, तो 15 5 20 20 5 25, चौड़ाई कितनी हो गई सर 25। बस कोई दिक्कत ही नहीं, आराम से चित्र बन गया, सवाल लग गया। अब सर बड़े आयत का क्षेत्रफल, अब की बार हम पूरा नहीं लिखेंगे, बड़े आयत का क्षेत्रफल, तो आपको सर पता है लंबाई गुणा चौड़ाई होता ही है, लंबाई सर 30 है, आपको एग्जाम में फार्मूला भी लिखना है, सब कुछ लिखना है। अब आपको ये तो पता ही हो गया कि यहाँ लिखना क्या होता है, हमने लिख दिया बड़े आयत का क्षेत्रफल, तो डायरेक्ट हम लोग लंबाई गुणे करेंगे चौड़ाई, तो सर 30 गुणे कितना करेंगे 25, तो सर कितना आ जाएगा 0 25 75, 750 वर्ग मीटर आ गया बड़े आयत का क्षेत्रफल। अब हम लिखेंगे सर छोटे आयत का क्षेत्रफल, छोटे आयत का क्षेत्रफल। अब सर जी छोटे आयत का क्षेत्रफल आपने निकाला होगा, कितना निकाला 20 गुणे 15, यानी 15 दूनी 30, 300 वर्ग मीटर। अब आप निकालेंगे सर रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बताओ जरा, बड़ा माइनस छोटा कर देंगे, बड़ा माइनस छोटा, आप पूरा लिखेंगे बड़े आयत का क्षेत्रफल माइनस छोटे आयत का क्षेत्रफल, तो सर बड़ा कितना है 750 है, छोटा कितना है 300 है, अगर घटाएंगे तो कितना आएगा 450 वर्ग मीटर आ जाए। बताओ भाई अब तो किसी से गलती नहीं होगी, अब तो किसी से गलती नहीं होगी, एक बार ये बता दो, अब ऐसा कोई नहीं होगा जिससे गलत हो जाए, ऐसा कोई नहीं होगा अब जो एग्जाम में गलत करे, बताओ एग्जाम में गलत होगा क्या, लेकिन इस चीज का रिवीजन आपको करते रहना है, अगर आप रिवीजन करते रहेंगे तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी, अगर आप रिवीजन नहीं किए ना तो फिर आप एग्जाम में फिर से गलती करेंगे, इसलिए आपको सर रिवीजन करते रहना, क्योंकि रिवीजन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है, रिवीजन आप बहुत अच्छे तरीके से करते रहेंगे सर, है ना। आंसर कितना आ गया 450 वर्ग मीटर आ गया। चलो भाई अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर, ठीक है। अभी तक सर जी हमने क्या पढ़ा था, एक आयत के बाहर रास्ता बन रहा था, कहां बन रहा था सर, बाहर बन रहा था। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर लिखो, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग दूसरा टाइप, किसी आयताकार मैदान की लंबाई 30 मीटर तथा चौड़ाई 20 मीटर है, उसके अंदर 5 मीटर चौड़ा रास्ता, 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है, 5 मीटर चौड़ा रास्ता, चारों ओर हमने नहीं लिखा, उसके अंदर 5 मीटर चौड़ा चारों ओर, यहां पर चारों ओर और लिखेंगे, क्योंकि चारों ओर बनाएंगे इसे कोई समझेगा क्या सर जी, बीच में बनाया गया, चारों ओर रास्ता बनाया गया है, उस रास्ते का क्षेत्रफल आपको बताना, उस रास्ते का क्षेत्रफल आपको बताना है सर, उस रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा। मैथ के पेपर में आते हैं भूल जाते हैं, बताइए 400 किसी का 200, सर जी एग्जाम हॉल में सब भूल जाते हैं जल्दी, भाई भूलना नहीं है, अगर आप एग्जाम हॉल में सब भूल जाएंगे बताओ तो कैसे काम चलेगा, तो भूलना तो कुछ भी है ही नहीं है ना, भूलना कुछ भी नहीं भाई, क्लास को सभी लोग लाइक और कर दो, क्लास को सभी लोग लाइक और कर लीजिए, चार सौ। अब देखो सर जी आपको पहले तो हम चित्र बनाते हैं, मान लो सर ये आयत बना है,
ये आयताकार मैदान है, इसकी सर आपको लंबाई दी गई है 30 मीटर, सर चौड़ाई दी गई है 20 मीटर। लंबाई और चौड़ाई हो गई। अब सर जी इसके अंदर बन रहा है 5 मीटर चौड़ा रास्ता, ये हमने रास्ता बना दिया कितना सर 5 मीटर, ये क्या बना है 5 मीटर चौड़ा रास्ता बना है, कितने मीटर चौड़ा सर 5 मीटर चौड़ा, ये सर 5 मीटर चौड़ा रास्ता बना है इसके अंदर। आप हमें एक बार ये बताओ, पहले जब बाहर रास्ता बनता था तो हम क्या कर देते, इतनी भुजा और इतनी भुजा, ये दोनों 5-5 मीटर हैं, तो सर जी ऊपर वाली अगर 30 है तो अंदर वाली यहां से लेकर यहां तक कितनी हो जाएगी, 5 मीटर चौड़ा इधर रास्ता है, 5 मीटर चौड़ा इधर रास्ता, यानी 10 हो गया, 5-5 मिला के 10, तो सर अंदर वाले की लंबाई कितनी हो जाएगी, 20 बचेगी, क्योंकि 10 आपने कम कर दिया, क्योंकि 5-5 मीटर दोनों तरफ चौड़ा रास्ता है। अब सर ये टोटली यहां से यहां तक 20 है, 5 मीटर सर ये रहा, 5 मीटर सर ये रहा, बताओ भैया 5-5 10 हो गया, तो सर जी पूरी अगर यहां से यहां तक 20 है, जिसमें 5 ये कम 5 ये कम 10 कम हो गया, सर अंदर वाले कितना बचा, 10 बचा। अब आपको सर रास्ते का क्षेत्रफल बताना है। अब सर जी आपको लगाना वैसे ही है पहले वाले की तरह, बड़े का क्षेत्रफल लगाना सेम वैसे ही है, बड़े का क्षेत्रफल, तो बड़े का क्षेत्रफल कितनी लंबाई है सर 30, चौड़ाई कितनी है 20, कितना हो जाएगा सर 3 गुनी 6, 600 वर्ग मीटर हो गया। अब सर आप निकालेंगे छोटे का क्षेत्रफल, छोटे डोन का क्षेत्रफल, छोटा डोन जो है उसकी लंबाई सर कितनी है 20 है, चौड़ाई कितनी है सर 10 है, 20 गुणे 10, 20 दशावन कितना हो गया सर 200 वर्ग मीटर। अब सर आप निकालेंगे रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल, सर रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप क्या करेंगे, बड़ा माइनस छोटा, क्या करेंगे सर हमेशा बड़ा माइनस छोटा ही करना है जब रास्ते का क्षेत्रफल निकालेंगे। बड़ा सर जी 600, जो ज्यादा है वो बड़ा है, जो कम है वो छोटा है, कितना आंसर आएगा 400 वर्ग मीटर आंसर आ जाएगा, बताओ सर जी किसी को कोई दिक्कत, आंसर सर कितना आ जाएगा 400 वर्ग मीटर आ जाएगा, बताइए सर जी किसी को कोई दिक्कत होगा, अगर सर किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए। सभी लोग बताइए जल्दी से जल्दी बता, किसी को कोई दिक्कत, आ गया ना सभी का, आ गया एक बार इतना बता दे सभी का आ गया, चलिए किसी को कोई परेशानी तो नहीं है, अगर परेशानी है तो हम एक बना देते हैं और आपको ही बताना है उसको। अब सभी लोग बताएंगे, अगर सर एक आयताकार मैदान की लंबाई 50 दे दी जाए, लंबाई कितनी दे दी जाए 50 मीटर, चौड़ाई कितनी दे दी जाए 20 मीटर, और इसके बाद में रास्ता कितना बना दिया जाए, रास्ता बना दिया जाए 6 मीटर चौड़ा रास्ता बना दिया गया। अब सर जी आप लोग बताएंगे ये 20 है, चौड़ाई कितनी है सर 20 है, बता दो देखते हैं कौन कितना बताता है। किसी आयताकार मैदान की लंबाई 50 मीटर है, चौड़ाई 20 मीटर है, उसके अंदर 6 मीटर चौड़ा रास्ता चारों ओर बनाया गया है, उस रास्ते का सर क्षेत्रफल कितना होगा आप लोग बता दीजिए, जो भी सर रास्ते का क्षेत्रफल हो आप सभी लोग बता देंगे। और भाई क्लास को एक बार लाइक कर लीजिए, जिन लोगों ने लाइक नहीं किया सारे लोग लाइक कर लें सर, जिन लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया वो लोग क्लास को लाइक करते रहे। भाई नियंका जी अगर आपको क्लासें लेनी है तो यहीं पर आपकी क्लासें होंगी, ठीक है, तो आप सभी लोग जो भी तैयारी कर रहे हैं वो आराम से यहाँ यहीं पढ़ सकते हैं, सारी क्लासें आपकी यहाँ भी चलने लग गई हैं, सारी क्लासें जो भी आपके सब्जेक्ट हैं सारी क्लासें आपको यहाँ मिलेंगी, आप लोग यहाँ भी पढ़ सकते हैं, है ना। बता दीजिए सर कितना आएगा 696, और बताइए किसका कितना आ रहा है सभी लोग बता दीजिए, जिसका भी जितना आ रहा है सभी लोग बता दीजिए। अब देखो सर
अब आयत बनाने की जरूरत है क्या? ये बताओ, आयत बनाने की हमको जरूरत है क्या? बना दें? चलो भाई बना देते हैं। पहले आपका कितना दिया गया? अंदर रास्ता बनाया जा रहा है, यही तो पहले आपको ये 50 दी गई है और सर ये आपको 20 दी गई है, दी गई। अब अंदर ये रास्ता बनाया गया 6 मीटर, ये छह 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 6 मीटर रास्ता है ना। आप बताओ सर, जब पूरी 50 है तो भैया ये वाली यहां से यहां तक कितनी होगी? देखो 6 इधर कम हो गई, यानी 12 कम हो गई। अब जब सब 50 में 12 कम करेंगे तो 38 बचेगा, यानी कि इसकी लंबाई कितनी हो गई सर? 38 हो गई। अब चौड़ाई अगर 20 है तो देखो 6 ऊपर कम कर लो और 6 नीचे कम कर लो, 6 से 12 कम हो जाए, तो 20 में 12 कम हुई तो कितने बचे? 8। यानी कि सर चौड़ाई कितनी है? 8। अब आप क्या करेंगे, बड़ा वाला जो आपका है, बड़े का क्षेत्रफल, बड़े का सर कितना है क्षेत्रफल? 50 है, और सॉरी लंबाई कितनी है? 50 है, चौड़ाई कितनी है सर? 20 है। तो ये कितना हो जाएगा सर? 1000 वर्ग मीटर हो गया, 1000 वर्ग मीटर आपका हो गया। अगर सर छोटे का क्षेत्रफल निकालते हैं तो छोटे का क्षेत्रफल कितना आएगा बताओ, किसका किसका आया? तो आप कहेंगे सर लंबाई छोटे की 38 है और चौड़ाई 8 है, तो सर 38 × 8 कर देंगे, कितना आ जाएगा? 8 × 8 = 64 की 4 हासिल लगा, 6 8 = 24 = 36, 304 वर्ग मीटर आ गया। अब आपसे कहेंगे सर रास्ते का क्षेत्रफल बताओ, तो आप रास्ते का क्षेत्रफल बताएंगे। रास्ते का क्षेत्रफल होता है बड़ा माइनस छोटा, यानी बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल माइनस छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल। तो सर जी कितना हो जाएगा? बड़ा आपका सर जी 1000 है, माइनस छोटा सर जी आपका 304 है, तो बताइए सर 400 कितना बचेगा? 696 कितना बचेगा? 696 वर्ग मीटर। अब बताओ सर 696 किस किस का आया? 696 सर किस किस का आया, सभी लोग बता दो 696 किस किस का आ रहा है, जल्दी से जल्दी बता देंगे जिस चीज का 696 आ, सभी लोग बता दो सर 696 किस किस का आ रहा है। हाँ भाई पूजा जी, आपको सारी क्लासे यही मिलेंगी अब, ठीक है? सारी क्लासे पूजा जी आपको यही मिलेंगी, है ना? जिसको भी नहीं पता है, जिन लोगों को, आपके भाई आपके बहनों को, सभी को बता दीजिए कि सारी क्लासे आपकी सर जी के चैनल पर भी आपको मिलेंगी, जिसको पढ़ना है वो लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है? सवाल लग गया। अब हमें पहले एक बार ये बता दो, जैसे सवाल आप पढ़ रहे थे ऐसे एग्जाम में आएंगे तो कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं होगी आपको? अब कोई भी समस्या तो नहीं आएगी आपके आगे? एक बार हमको ये बता दो, सभी लोग बता दें, कोई भी समस्या तो नहीं आएगी सर? एक बार हमको बता दीजिए, कोई समस्या तो आपके सामने नहीं आएगी? विज्ञान की क्लास 7:20 पे लेते हैं शाम को, इंग्लिश की क्लास 11 बजे यहाँ पर होगी, मैथ की क्लास 4 बजे शाम को यहाँ पर होगी, हिंदी की क्लास सर आपकी 1 बजे यहीं पर होगी, ठीक है? 1 बजे हिंदी की क्लास, जो आपकी 11 बजे भी हुई 2-3 दिन, वो यहीं पर होगी 1 बजे। तो जिस जिसको सर लेना हो वो लोग ले सकते हैं आपकी क्लास को। चले सर आगे, कोई तकलीफ तो नहीं किसी को? एक लास्ट क्वेश्चन और पढ़ लीजिए सर, एक लास्ट। और देखो जिसको पाई चार्ट पढ़ना है भी 10 बजे से क्लास है, क्योंकि आपके एग्जाम में भी पाई चार्ट आता है, पाई चार्ट ग्राफ चार्ट आता है ना, तो जिसको भी पढ़ना है तो 10 बजे से यहाँ पर क्लास लेंगे हम। चलिए भाई, सर एग्जाम में आपको बताना होता तो अच्छा होता, सर एग्जाम में आपको बताना होता तो अच्छा। क्या चीज भाई एग्जाम में? हाँ मजा आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है, 7:20 पर विज्ञान की क्लास शाम को। एक लास्ट क्वेश्चन है सर जी, मान लो सर जी ये आयत दिया गया, ये आयत दिया गया है जिसकी लंबाई आपको दे दी जाए सर 25 मीटर। कितनी दे दी गई सर जी? लंबाई दे दी गई 25 मीटर, ठीक है सर। चौड़ाई दे दी जाए, चौड़ाई दे दी जाए आपको कितनी? 12 मीटर। अगर सर आपसे विकर्ण पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए? विकर्ण, विकर्ण ज्ञात करो। आपसे कह दिया जाए एक आयताकार खेत है जिसकी लंबाई है
25 मीटर, जिसकी चौड़ाई है 12 मीटर, उस आयत का विकर्ण ज्ञात कर दीजिए। आपसे अगर विकर्ण पूछ लिया जाए तो आप क्या करेंगे? अच्छा, एग्जाम में नकल के लिए बोल रहे हैं, आपका नाम ले लेंगे, नकल कराना होता है, ये बता। चलो भाई, नकल के लिए आप लोग दिमाग में बातें सोच रहे हो, मतलब पढ़ने के लिए नहीं सोच रहे कि सर जी कैसे पढ़ें क्या करें, इस बात को नहीं सोच रहे, नकल की सोच रहे कि नकल अगर कराना होता तो आप होते तो नकल करा, नकल वाली बात आप दिमाग में ला रहे। बताओ भाई आंसर, आंसर बता दो। बता दीजिए सर, कि आंसर आया या नहीं आया, सारे लोग बता देंगे आंसर आया या नहीं आया। आरती लिखी है। अब बताइए सर, विकर्ण अगर आपको निकालना होगा तो आप विकर्ण कैसे निकालेंगे? देखो हम बता देते हैं, विकर्ण निकालने के लिए आप क्या देखेंगे, त्रिभुज एडीसी से निकाल लो, चाहे तो आप इधर लिख लो 12 मीटर और ये इधर लिख लो सर जी आप 25 मीटर, है ना। आप कैसे भी निकाल सकते हैं कोई भी त्रिभुज से, चाहे त्रिभुज एबीसी से निकाल लो, कैसे त्रिभुज एबीसी से, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय से आएगा विकर्ण। आपको एसी की वैल्यू निकालनी है तो सर क्या करेंगे आप, देखो फार्मूला लगाएंगे, कर्ण का वर्ग इक्वल टू एबी का वर्ग प्लस बीसी का वर्ग, यही तो फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो एसी का वर्ग इक्वल टू सर एबी कितना दिया गया 25, यानी कि 25 का वर्ग प्लस बीसी कितना दिया गया 12 का वर्ग। सर जी अब आप बताओ 25 का वर्ग होता है, आपको निकालना है एसी का वर्ग, 25 का वर्ग 625 होता है, 12 का वर्ग 144 होता है, तो सर एसी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 4 9 4 2 6 6 1 7 769 हो जाएगा। अब सर 769 तो किसी का वर्ग होता नहीं है, सभी को पता है ना, तो आप एसी इक्वल टू क्या करेंगे, अंडर रूट में कर देंगे 769, तो आपका जो विकर्ण होगा वो 769 आ जाएगा, कितना आएगा 769 आ जाएगा, 769 मीटर। हाँ, क्योंकि उसका तो सर जी क्या है, उसका कोई भी वर्गमूल किसी का होता नहीं है, तो सर जी आपका 769 हो जाएगा, कितना हो जाएगा सर 769 हो जाएगा ना। बताओ जरा, कोई दिक्कत किसी को कोई दिक्कत हमको ये बता दो। एक क्वेश्चन और सर प्लीज, चलिए एक क्वेश्चन और करा देते हैं, और देखो हम एक क्वेश्चन करा देंगे लेकिन आप सभी लोग अपने दोस्तों को जरूर बताएंगे। जैसे ये सर दिया गया, लंबाई दे दी गई सर जी 10, लंबाई कितनी दे दी गई आपको, 10 दे दी गई, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, लंबाई 10 दे दी गई और चौड़ाई सर आपको दे दी जाए कितना, बताओ चौड़ाई कितना कर दे, बताओ चौड़ाई सर जी दे दी जाए आपको 8। अब सर जी आपको विकर्ण ज्ञात करना है, करो विकर्ण ज्ञात, आपको सर विकर्ण ज्ञात करना है, सभी लोग विकर्ण ज्ञात कर दीजिए, जल्दी से विकर्ण कर दो, ये भी 8 होगी ये 10 होगी। आपको सर जी क्या ज्ञात करना है, आपको विकर्ण ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है सर आपको, विकर्ण ज्ञात करना है, सभी लोग बताइए जल्दी से, बताओ आप, जरूर आएगा, एकदम से आएगा, सीधा दिमाग में घुसेड़ देंगे आपके, सारे लोग बता दीजिए जल्दी से बताइए। अब यहाँ भी सर जी आपको एसी ज्ञात करना है, एसी का स्क्वायर इक्वल टू एबी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर, यही तो करना है। अब एसी का स्क्वायर जब यहाँ भी निकालेंगे तो सर एबी आपका 10 दिया गया 10 का स्क्वायर प्लस बीसी सर आपका 8 दिया गया 8 का स्क्वायर। सर जी 10 का स्क्वायर होता है 100, 8 का स्क्वायर होता है 64, तो सर एसी का स्क्वायर इक्वल टू 64, तो एसी इक्वल टू सर कितना आएगा 164, वो भी रूट में, काय में आएगा रूट में 164 आ जाएगा, सभी का आ गया ना, बताओ सर सभी का आ गया। अगर आपसे विकर्ण पूछा जाए तो आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे,
और आपके सिलेबस में पाइथागोरस प्रमेय का वर्णन है, तो इसलिए ये प्रमेय इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको याद रखनी है पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण का बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, ये डेफिनेशन होती है। हम जब पढ़ते थे तो डेफिनेशन लिखने को आई थी, अगर किसी को नहीं पता याद कर लेना। कर्ण का बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं के शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के वर्गों के योगफल के वर्गों के योगफल के बराबर बराबर होता है। ये डेफिनेशन होती है पाइथागोरस प्रमेय की, आपसे पूछी जाती है या आपसे डेफिनेशन लिखवाने को कहता है तो आप लिख देंगे कर्ण का बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, उसको हम लोग कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, किसी को आप कोई दिक्कत या परेशानी तो बता दो। हाँ, गलत नहीं होगा जब आप डेली आएंगे। ठीक है, और देखो आपको बता दें, जो लोग फर्स्ट सेमेस्टर मैथ वाले हैं वो सुबह 9 बजे आया करें, जिनके बैक लगी है वो भी सुबह 9 बजे, और जो सेकेंड सेमेस्टर मैथ वाले हैं वो शाम को 4 बजे। ठीक है, उनकी क्लास शाम को 4 बजे, और साइंस की क्लास हम लेने लग गए हैं 7:20 पे, सभी को आना है 7:20 शाम को सभी को साइंस की क्लास, और SST की क्लास सर आपकी रात के 9 बजे हो रही है, आप सभी को पता है। हिंदी की क्लास 1 बजे होगी, इंग्लिश की क्लास 11 बजे होगी, अभी 10 के बाद जो 11 बजेगा, आपको पूरा आज टाइम टेबल बना के हम शेयर कर देंगे ग्रुपों में, ताकि आप अपने दोस्तों को बता सके। ठीक है, कोई के लिए दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब हम चलते हैं, एक बार बता दीजिए आज की क्लास सर कैसी लगी, सारे लोग बता देंगे सर आज की क्लास आपको कैसी लगी, सभी लोग बता देंगे सर क्लास कैसी लगी, सभी को बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। ठीक है, हाँ, जिनकी बैक है उनको भी तो सेकंड सेमेस्टर पढ़ना है, तो सेकंड सेमेस्टर की 4 बजे होती है ना क्लास, इसी चैनल पे 4 बजे है ना। चलिए भाई अब हम चलते हैं, क्योंकि अब मेरी क्लास है जस्ट अभी 10 बजे से, तो 5 मिनट है, थोड़ा आराम करते हैं 5 मिनट, फिर आपको पाई चार्ट पढ़ाने के लिए आएंगे, जिसको भी पाई चार्ट पढ़ना हो वो यहीं पर पढ़ सकते हैं। ठीक है, अभी 10 बजे से पढ़ाया जाएगा, तब तक के लिए सभी को बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। ठीक है भाई, सभी को बाय बाय, टेक केयर, चलते हैं, अब तक मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद।